We are learning about faith. हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं. Faith. This is the third week we are learning about faith. और ये तीसरा सप्ताह है कि हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं. Actually, faith is a force which opens humanity to the world of impossibilities. और विश्वास ऐसी एक ताकत है जो इंसानियत को इस दुनिया के लिए खोल देती है. Many of us we know a God who can do miracles. हम सारे जानते हैं एक परमेश्वर को जो चमत्कार कर सकते हैं. Who lives in heaven and where there is nothing called impossibility. जो स्वर्ग में विराजमान है, जहाँ पे असंभव ऐसा कोई शब्द है ही नहीं. But we live on earth where it's full of impossibilities. लेकिन हम इस पृथ्वी पर रहते हैं जो असंभव इन बातों से भरी हुई है. So one of the thing which we need to live is a life of limits. और limits. एक जीवन जिसमें रहे है वो सीमाओं की जीवन है. We can go till this far, we can't go above that. हम यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे हम बढ़ नहीं पाते. Okay, everybody has lot of limits. आप सभी के जीवन में कई सारी सीमाएं होंगी जो आप पर नियंत्रण करती हैं. Okay, can you earn 10 lakhs a month? क्या आप महीने में 10 लाख कमा सकते हो? Many of you will readily say no, pastor, I don't think so. आप में कई शायद से कहेंगे कि नहीं पता नहीं, ये तो नहीं हो संभव है. Can you do this? क्या आप ये कर सकते हो? No, I can't do. नहीं, मैं नहीं कर सकता. So we live with a lot of limits, and this limits actually determine where we go, how far we go. और ये कई सारी सीमाओं में हम जीवित रहते हैं, और ये सीमा हम पर नियंत्रण करते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं. Faith is living in a spiritual world of no limits. और विश्वास ऐसी एक आत्मिक जीवन में हम जी रहे हैं जहां पर कोई सीमाएं नहीं है. So definitely this is possible only for those people who are children of God. निश्चित तौर पर यह उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं. So God has a life of no limits for every one of you. तो परमेश्वर का ऐसा एक जीवन आप सभी के लिए है जिसमें कोई भी सीमाएं नहीं है. Okay, if you are thinking of business, God has an unlimited business opportunity for you. अगर आप व्यापार के बारे में सोच रहे हो तो परमेश्वर के पास ऐसी व्यापार की योजनाएं हैं जिसमें कोई भी सीमा नहीं है. इफ यू हैव अ प्लान टू गेट एजुकेटेड, गॉड हैज एन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी फॉर एवरीवन ऑफ यू. शिक्षण के विषय आपकी कोई योजना है तो परमेश्वर के पास ऐसी योजना है जिनमें कोई सीमा नहीं है, जितर तक आप पढ़ सकते हो. यस, लेट मी रीड वन ब्यूटिफुल वर्स व्हिच यू विल लाइक इट. एक सुंदर सा वचन हम पढ़ेंगे जो आपको पसंद आएगा. मार्क 10:27. मरकुस 10 उसका 27. Okay, Mark 10:27. It says, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. यहाँ कहता है मनुष्य के लिए शायद ये बातें असंभव होगी, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. Okay, because there was an impossible situation, so people came to Jesus and asked, hey, how can we do this? So Jesus is saying a truth. क्योंकि एक it is impossible, but with God, all things are possible. क्योंकि उस समय में मनुष्य के लिए कुछ बातें ऐसी थी जो असंभव थी, तो लोग आते हैं यीशु से पूछते हैं ये कैसे संभव होगा. तो यीशु एक सत्य की बात कहते हैं कि मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है. हाँ, so this is what we all will agree. तो इस बात से हम सब सहमत होंगे. हाँ, hey, yes, Jesus can do things. How can I do? हम सब सहमत होंगे कि यीशु ये कर पाएगा, लेकिन मेरे से संभव नहीं. So many of us, we actually think we are so human, we are so useless. And God is so divine, and He is a great God. और हम में से कई सोचते हैं हम तो केवल इंसान है, हम बेकार के लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर इतना दैविक है, वो सारी बातें कर सकता है. In front of the taxis, have you seen God is great? आप टैक्सी के पीछे लिखा होता है परमेश्वर महान है. Have you seen? You know what they feel, what is the second part of that sentence? और इस इन शब्दों का दूसरा भाग क्या है आप जानते हो? It says God is great and I am useless. That's what he is saying the world. वो सचमुच ये कह रहा है कि परमेश्वर महान है और मैं तो बेकार हूँ. This is what everybody believes. और यही बातें सारे लोग विश्वास करते हैं. Because they don't know this book. क्योंकि वो इस किताब को नहीं जानते. Let's see what Jesus said. हम देखेंगे कि यीशु ने क्या कहा. Mark 9:23. मरकुस उसका 9वां अध्याय उसका 23वां वचन. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है. हाँ,
See how beautiful Jesus Christ is saying. देखो सुंदरता से यीशु मसीह. Definitely God is great. God can do all things. हाँ निश्चित तौर पर परमेश्वर महान है. परमेश्वर सारी बातें कर सकते हैं. But you can also do great things. लेकिन आप भी बड़ी बातें कर सकते हैं. Now you tell me what is the great thing you have done. अब आप बताएं कि आपने कौन सी महान काम किए हैं. हाँ उठ. महान काम कौन किया? Everybody is scared. Everybody is पीछे मुड़के देख रहे हैं. हाँ. That is the message I want to tell you. और यही वो संदेश मैं आज आपको देना चाहता हूँ. Today you can become great. You can do great things on this earth. कि आप भी महान बन सकते हो और इस पृथ्वी पर महान कार्य कर सकते हो. You have to follow a principle. आपको एक सिद्धांत के पीछे चलना है. That is all. और इतना ही काफी है. If you follow a principle, that principle will take you forward. अगर आप एक सिद्धांत के पीछे चलोगे, तो ये सिद्धांत आपको आगे ले चलेगा. See, there is a principle called principle of lift. और ऐसा एक सिद्धांत है जो जो कहता है ऐसे उठाने वाला सिद्धांत. See, if this bottle obeys the principle of lift, it will fly. अगर ये जो बॉटल है ये प्रिंसिपल ऑफ लिफ्ट उसको पालन करता है तो ये उड़ने लगेगा. See, this is a bottle. ये तो एक साधारण सा बॉटल है. It can it fly? It has wings. क्या इसके कोई पंख लगे हैं? ये उड़ सकता है? It has no wings. ये उड़ नहीं सकता. But there is a principle called a principle of lift. लेकिन एक सिद्धांत है लिफ्ट का सिद्धांत. If this bottle obeys that principle, अगर ये बॉटल उस सिद्धांत का पालन करता है, this bottle will fly. ये बॉटल उड़ सकता है. It can go to New York. ये न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता है. You understand what I'm saying? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? It's so simple. You may be ordinary. आप you need not have wings. आपके कोई पंख नहीं है. But you need to find that principle and obey that principle. आपको उस सिद्धांत को खोज निकालना है और उस सिद्धांत का पालन करना. Definitely the principle will work for you. और निश्चित तौर पर ये सिद्धांत आपके लिए काम करेगा. Even an airplane doesn't fly. और ये जो हवाई जहाज है वो भी उड़ता नहीं है. It has few tires and it will roll on this ground. और उसके तो कुछ दो तीन पहिए हैं और उस पे ये जमीन पे रेंग सकता है. But at one point it obeys a principle, so it flies. लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो सिद्धांत का पालन करता है और वो उड़ने लगता है. Today I am teaching a principle which makes you to make impossible things makes possible or happen in your life. और आज ऐसा ही एक सिद्धांत मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपके जीवन के जो असंभव बातें हैं उसको संभव वो बनाता है. That is called faith. और वो है विश्वास. Many of us we suffer with belief. हम में से कई लोग मान्यता में हम बहुत परेशानी झेलते हैं. Belief actually frustrates you. और ये जो बातों को मानना है ये हमें बहुत परेशान कर देता है. I don't know. Sometimes when I read the Bible, I get very frustrated. कई बार मैं बाइबल को भी पढ़ता हूँ मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ. Because hey, what is this? क्योंकि ये क्या लिखी है? ये कैसे हो सकता And है? Where am I living? और मैं कहां पर जी रहा हूं? So I want to live like this. मैं इस प्रकार जीना चाहता हूं. I tell you, what will take you from your life to God's life, that is faith. और जो आपके जीवन से परमेश्वर के जीवन तक आपको ले चलेगा वो है विश्वास. If there is anything you need to know in this world, it is about faith. और अगर एक वस्तु आपको जाननी है आपके जीवन में जरूरी है वो है विश्वास. The other things are automatically done when you have faith. और बाकी बातें ऐसे ही आपके जीवन में होती चलेगी जब आप विश्वास से चलने लगोगे. Some people come and tell me, Pastor, love is greater than faith. और कुछ लोग आके मुझसे कहते हैं कि पासबान प्रेम जो है वो विश्वास से भी बड़ा है. Because Bible itself says. क्योंकि बाइबल ही कहता है. Love is greater than faith. क्योंकि प्रेम विश्वास से बढ़कर है. I'll tell you, love is bigger than faith in that way. But without faith, you cannot love people. मैं आपसे कहता हूँ कि प्रेम वैसे देखा जाए तो विश्वास से बड़ा ही है. लेकिन अगर विश्वास ना हो तो आप प्रेम ही नहीं कर पाओगे. Some people you can never love them. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कभी भी प्रेम कर ही नहीं सकते. हाँ. If you love them, they will bite you. अगर आप उनसे प्रेम करोगे तो वो आपको काट खाते हैं. But how to love them? लेकिन कैसे उनसे प्रेम? Only by faith you can love them. केवल विश्वास के द्वारा ही आप उनसे प्रेम कर पाओगे. Yeah, that he will love me back. और फिर वो आप समय प्रेम करते हैं. Please understand. Even to love, you need faith. प्रेम करने के लिए भी आपको विश्वास की जरूरत है. Some people say, no, preaching the gospel is the most important. कुछ लोग कहते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करना ये सबसे बड़ी बात है. Without faith, how can you preach the gospel? अगर विश्वास ना हो तो कैसे सुसमाचार का प्रचार करें? They will kill you. वो आपकी हत्या कर देंगे. Without faith, you can't preach the gospel. विश्वास के बिना आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाओगे. With fear, you can't go and preach the gospel. डर के साथ आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाओगे. Only with boldness and faith, you can preach the gospel. और विश्वास के साथ ही मिलकर आप प्रचार कर पाओगे. जो डर गया वो मर गया. You need faith even to preach the gospel. समाचार का प्रचार करने के लिए भी आपको विश्वास की जरूरत है. I'll tell you, there are many examinations you can never pass.
और कई सारे ऐसी परीक्षाएं हैं जिसे आप कभी भी पार नहीं कर पाओगे. It requires a tremendous input. और उसके लिए बहुत अधिक मेहनत लगती है. There are many places you can never reach. और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिधर आप कभी पहुंच नहीं पाओगे. अरे एवरी वन ऑफ यू विल गेट अ जॉब. आप में से हर एक को नौकरी तो मिल जाएगी. एवरी वन ऑफ यू विल गेट योर ब्रेकफास्ट. आपको सबको अपना सुबह का भोजन तो मिल जाएगा. But there are many things in this world you can never reach. लेकिन कई सारी बातें इस दुनिया में ऐसी है जहां तक आप कभी पहुंच नहीं पाओगे. Your father has not reached. आपके पिता कभी पहुंच नहीं पाए. Your grandfather has not reached. आपके दादा कभी पहुंच नहीं पाए. Your villagers cannot have not reached. आपके गांव वाले भी कभी वहां. How you will reach? तो आप कैसे पहुंचोगे? It's impossible. यह संभव बात है. You can never go there. आप कभी वहां पहुंच नहीं पाओगे. Only with faith you can go. केवल विश्वास के द्वारा ही वहां पहुंच पाओगे. You need faith. अपने पड़ोसी को देखकर कहो तुम्हें विश्वास की जरूरत है. तुम्हें विश्वास की जरूरत you need है faith. तुम्हें विश्वास की जरूरत More than anything, you need faith. और किसी भी चीज से बढ़कर तुम्हें विश्वास की जरूरत yeah, है. Having belief, everybody has so much of belief. तो सारे लोग करते हैं. सारे लोग किसी ना किसी But only guys who have faith will ever excel, make impossibilities into possible. लेकिन केवल वो ही लोग जिनमें विश्वास है वही असंभव बातों को संभव अपने जीवन में बनाएंगे. I am teaching on faith. मैं विश्वास के बारे में सिखा रहा हूं. I am making impossible things possible. मैं असंभव बातों को संभव बना रहा हूं. There cannot be An impossible thing in your life. आपके जीवन में कोई भी वस्तु असंभव नहीं हो सकती. Let's turn to Matthew chapter 15, verse 21 to 28. मत्ती 15वां अध्याय उसका 21वें वचन से 28वें वचन तक. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. Behold, a woman of Canaan came from that region, and cried out to him, saying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David." My daughter is severely demon-possessed, but he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped Jesus, saying, Lord, help me. And Jesus answered and said, It is not good to take the children's bread. Throw it to the little dogs. She said, Yes, Lord, even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Faith is persistent. और विश्वास जो है वो निरंतर पीछे लगती है. Faith is persistent. विश्वास निरंतर पीछे लगती है. Yes. People who are persistent, they actually exhibit their faith. और जो लोग निरंतर पीछे लगते हैं वो सचमुच अपना विश्वास दर्शाते हैं. Last week I was teaching about how we need to have action to support our faith. और पिछले सप्ताह मैं सिखा रहा था कि किस प्रकार हमारे जीवन में कर्म होना चाहिए जो विश्वास पर आधारित है. Believing is not the only thing which we need to be doing. और बातों को मानना ये केवल वो बात नहीं है जो हमें अपने जीवन में करना है. Yeah, definitely there is a place where you have to spend time hearing and knowing things. और ये बात सही है कि हमें कई बातों को सुनना है और उन बातों की जानकारी हासिल करना. Because how faith comes? तो विश्वास कैसे आता है? How faith comes? विश्वास कैसे आता है? Very very beautiful verse. You all should underline. You should read it often. Okay. और कई बार Romans 10:17. Can we read Romans 10:17? How this faith comes? रोमियो की पत्री 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से होता है. Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से. Hearing by the word of God. और परमेश्वर के वचन के. Tell your neighbor. Faith comes. How faith comes? विश्वास कैसे आता है? Faith comes by विश्वास hearing. सुनने से आता है. There is no other way. Faith will come. और कोई रास्ता ही नहीं है जिससे. Many people think faith comes by praying. बहुत लोग समझते हैं कि विश्वास प्रार्थना करने से आता है. हाँ, you keep on praying. Faith will not come. करते रहते हैं लेकिन विश्वास नहीं. Because the Bible says faith comes by hearing. क्योंकि Bible कहता है कि विश्वास सुनने से आता है. Many people don't know the Bible. आप Bible नहीं जानते. हाँ, मैं पूछता हूँ संडे को तुम किधर गया? Pastor बहुत काम था. Okay. देखो, faith comes by. विश्वास सुनने से आता है. How important it is to hear. कितना महत्वपूर्ण है कि आप उसे सुनें. You can never, I tell you, the most important thing is my life, my faith. और मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात मेरा विश्वास है. Because once there was a huge problem in Peter's life. एक दिन पतरस के जीवन में ऐसा बड़ा ही समस्या आया. He was about to sink in the problem. वो उस परेशानी में डूबने ही वाला था. But Jesus said, Peter, I prayed that your faith will not sink.
और लेकिन यीशु ने कहा कि पतरस मैंने प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास डूब ना पाए. Why Jesus was concerned about his faith? यीशु उसके विश्वास के विषय क्यों चिंतित था? Because if the faith is alive, he can be alive. क्योंकि अगर विश्वास जीवित है वो जीवित हो रह सकता है. What a truth it is. कितनी बड़ी सच्चाई है. हाँ, today you should understand. If your faith is alive, you can be alive. अगर आपका विश्वास जीवित है तो आप भी जीवित रह सकते हो. Many people die in their belief only. बहुत लोग अपने जिन बातों पे वो मानते हैं उसी में मर जाते हैं. If your belief is alive, no use. अगर आपकी मान्यता जीवित है तो उसका कोई उपयोग नहीं. Jesus will say, welcome, welcome, please come. यीशु कहता है स्वागत हो, आ जाओ. तुम उधर जाने का नहीं, वो तुमको लायक नहीं है, तुम इधर का लायक है. So we'll take you to heaven. You cannot live on earth. If you want to live on earth, you should make impossibilities into possibilities. अगर आप इस पृथ्वी पर जीना चाहते हैं तो असंभव बातों को आपको संभव बनाना होगा. You have to defeat your enemies. आपको अपने दुश्मनों को हराना होगा. Many of your enemies are not rational. They are wicked people. आपके कई सारे दुश्मन ऐसे हैं जो कोई बातों को समझ नहीं पाते. You need to defeat them. आपको उन्हें हराना. For that you need faith. और उसके लिए आपको विश्वास. Without faith, they will defeat you. विश्वास के बिना वो आपको हरा देंगे. They will eat you. वो आपको खा जाएंगे. They will trouble you. वो आपको परेशान करेंगे. You need faith. आपको With faith we can overcome. और विश्वास के साथ ही आप जयवंत होंगे. How faith comes. विश्वास कैसे आता है? How faith comes. विश्वास कैसे आता faith है? Faith comes. How faith comes. विश्वास कैसे आता है? Tell your neighbor, faith comes by hearing. अपने पड़ोसी से कहो विश्वास सुनने से आता है. Hearing by the word of God. और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता How है. How faith comes. विश्वास कैसे by आता hearing. है? विश्वास सुनने से आता है. मैं आपको विश्वास सिखा रहा हूं. Your faith will grow. तो आपका विश्वास बढ़ेगा. So you have to learn the principles of faith. तो आपको विश्वास के सिद्धांतों को सीखना होगा. Why these examples are given in the Bible? Why I am teaching them on a Sunday morning? ये उदाहरण बाइबल में क्यों दिए गए हैं? ये रविवार सुबह मैं क्यों सिखा रहा हूं? So that you pick it up, pick those things, pick those clues and implement that in your own lives so that you can face your own problems. और ये सारी बातें आपको सिखा रहा हूं ताकि इसका इस्तेमाल आप अपने जीवन में कर सके. Okay? Now Jesus went to one country. अब यीशु एक देश में गए. One lady from another country came there. दूसरे देश से एक स्त्री वहां पर आई. Listen to this story. This ध्यान से इस कहानी को सुनना. Jesus went to a place. यीशु एक जगह पे गए. From a long distance, another lady came there. दूसरे लंबे रास्ते से दूसरी स्त्री वहां पर आई. Now why she came? अब वो वहां पर क्यों आई है? Because she heard something. उसने कुछ बातों को सुना. Maybe somebody said Jesus will heal your daughter. और शायद किसी ने कहा कि यीशु तुम्हारी बेटी को चंगा कर सकता है. She had a daughter. और उसकी एक बेटी थी. She had a demon. और उसमें एक दुष्टात्मा था. And because of that, the daughter was troubled with that demon. और उस दुष्टात्मा के कारण वो बहुत ही परेशान रहती थी. You should know, some demons trouble your children. और आपको जानना है कुछ दुष्टात्माएं आपके बच्चों को परेशान कर सकती है. Please understand. इस बात को समझे. Children can be easily troubled by the wicked spirits. बच्चे जो है उन्हें आसानी से परेशान किया जा सकता है इन दुष्टात्माओं के द्वारा. More than the parents, the children are troubled. माता पिताओं से बढ़कर वो बच्चे परेशान है. Let me tell you, I need to warn every father and mother very now. जितने ही माता पिता यहाँ बैठे हैं आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अभी. You should never take your children to any meeting where God is not worshipped. और आपके बच्चों को ऐसी कोई भी सभा या संगति में ना लेकर जाए जहाँ पे परमेश्वर की आराधना ना होती. हम आगे बढ़ेंगे. Here is a mother. एक माँ यहाँ पर so है, जो बहुत चिंता में थी. She used her all to get healing for her. वो अपने सारे चीजों का इस्तेमाल करती है ताकि अपने बेटी, उसकी बेटी चंगी हो जाए. What a mother. कैसी माँ है ये. What a father. कितने अद्भुत पिता है. Such people are champions for us to follow. ऐसे लोग ही चैंपियन है जिनके पीछे हमें चलना है. She went beyond her country to meet a man called Jesus. और ये माँ अपने देश को छोड़कर ऐसे स्थान पर गई जहां पर वो यीशु को मुलाकात. And she was crying and going behind him. और वो रोते हुए उसके पीछे चलने लगी. Have mercy on me, O son of David. My daughter is severely demon possessed. और मुझ करुणा कर है दाऊद के पुत्र, मेरे बच्ची जो है वो बहुत ही दुष्ट आत्मा से प्रभावित है. जीसस भी ना, वो एक अलग ही आदमी है, एक नमूना है वो. देखो, he did not answer her a word. और लेकिन एक भी बात उसका जवाब नहीं दिया यीशु ने. कितने लोग ऐसा मम्मी डैडी बनेंगे? टेल मी, ऐसा मम्मी इधर है क्या? आई वॉन्ट टू
Every mummy should be like this mummy. हर एक माँ आपको ऐसे ही बनना है. थोड़ी कुछ भी नहीं, वो ऐसा कुछ भी बोलते हर्ट हो जाते. Here is a mother. You look at this lady. इस माँ की तरफ आप देखिए. She was going behind Jesus, crying, "Ma, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy." Jesus didn't say any word also. वो उनके पीछे पीछे वो चली थी कि करुणा कर, करुणा कर, करुणा कर. लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा. And who were with Jesus? His disciples were with Jesus. यीशु के साथ उसके चेले थे. And they are telling Jesus, "You are not willing to heal her. At least send her away, na? At least send her away." वो चेले they interfered. वो चेले कहते यीशु तुम तो चंगा नहीं कर रहे हो, उसे यहां से भगा तो दो. वो वहां पर दखलंदाजी करते हैं. She is crying out after us. वो कब से रो रही है. See, for that Jesus is telling. Now this is all happening over a period of half a day, I think. ये बड़े Jesus didn't say anything for that. पूरे दिन में यीशु ने कुछ नहीं कहा. After some time he said, "Hey, I am not sent except the lost sheep of house of Israel. Only for the Jews I have sent." और यीशु, why should I heal her? यीशु कह रहे हैं कि मैं इज़राइल के घराने के खोए हुए लोगों के लिए आया हूं, मैं बाकी लोगों के बारे में क्यों परवाह करूं? हमारा औरत लोग क्या करेंगे? यीशु को छोड़ के चले जाएंगे? पास्टर को छोड़ के दूसरा चर्च में चले जाएंगे? Faith is persistent. विश्वास जो है वो निरंतर पीछे हो चलता है. अपने पड़ोसी से कहे, विश्वास जो है वो निरंतर पीछे होकर चलता है. टुडे पीपल आर डूइंग बिजनेस, यू नो. आज कई सारे लोग व्यापार कर रहे हैं. आफ्टर लिटिल प्रॉब्लम कम डाउन, बिजनेस छोड़ दो. थोड़ी सी परेशानी आती है वो कहते हैं कि बंद कर दो, छोड़ दे. पीपल आर ट्राइंग फॉर सम एग्जाम. लोग कुछ परीक्षाएं लिख रहे हैं. एक दो बार फेल हो गया ना, चलो छोड़ दो, ये हमका नहीं है. फेथ इज परसिस्टेंट. टुडे आई वांट टू टेल एवरी वन ऑफ यू. You want to do great things in your life? आप अपने जीवन में बड़े काम करना चाहते हो? Do you want to do impossible things? क्या आप अपने जीवन में असंभव बातों को करना चाहते हो? I tell you, you need to have faith. आपको विश्वास की जरूरत है. If you have faith, I can see your faith. अगर आपके पास विश्वास है तो मैं आपके विश्वास को देख सकता हूँ. The whole road saw that lady's faith. वो सारे रास्ते में जितने लोग थे वो सारे लोगों ने देखा इस जो विश्वास. Disciples saw that lady's faith. सारे चेलों ने देखा कि उस स्त्री में विश्वास था. She had faith. उसमें उस स्त्री में विश्वास था. She stood on that. और उस विश्वास पर वो खड़ी थी. Others have gone long back. और दूसरे जो लोग थे बहुत पहले ही पीछे वो चले थे. She was crying and walking and going and she was not willing to leave Jesus. और वो रोते हुए यीशु के पीछे निरंतर हो चली थी. वो वहां से छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी. Today, why many people stopped praying? आज कई सारे लोग प्रार्थना करना बंद उन्होंने किया. Because they don't, they have lost it all. क्योंकि उन्होंने उसे खो दिया है. They pray for 1 month and see what happens. और वो एक महीना प्रार्थना कर देखते हैं कि देखते हैं क्या होता है. And see how rude Jesus is saying, I did not come to heal such people. और यीशु कितनी कठोरता से वहां पे उत्तर देते हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं आया हूं. और उसने दूसरा भी बोला, ऐसा कुत्ते लोग के लिए मैं नहीं आया बोला. This is too much, ना? ये तो बहुत ज्यादा हो गया. Jesus Christ said it. लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा. कितने लोग जाएंगे जीसस के पीछे? इसके बाद कितने लोग पीछे लगेंगे? See what Jesus Christ is saying. देखो यीशु क्या कहता है. It is not good for take the children's bread and throw it to that little dogs. उसने कहा कि बच्चों की जो रोटी है वो लेकर कुत्तों के सामने डालने की जरूरत अच्छी बात नहीं है. पास्टर ने हमको कुत्ता बोल दिया. What will happen, my friends? क्या हो जाएगा? Today you need faith. आज आपको विश्वास की जरूरत है. Today we have other things in our life, but we need faith in our life. आज हमारे जीवन में दूसरी बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें विश्वास की जरूरत है. Neighbor, you need faith. अपने पड़ोसी से कहो, तुम्हें विश्वास की जरूरत है. तुम्हें विश्वास की जरूरत है. Today, let not anything disturb my faith. आज कोई भी चीज आपके विश्वास को परेशान ना कर सके. That faith this lady was having, you know, it overcame that comment of कुत्ता. और ये जो विश्वास उस स्त्री में था, ऐसे बुरे वाक्य जो कुत्ता ऐसे कहकर बुलाया, it overcame that
silence for so many hours. इतनी लंबे समय की चुप्पी को भी लांघ कर वो आगे गया. Today you want a faith healing. आज आपको विश्वास की चंगाई की जरूरत है. What faith you have? कैसा विश्वास आप? How much time you are having? कितना विश्वास आपके साथ पड़ा साथ पड़ रहेगा? What is the difficulty you went through? और कौन सी मुसीबतों से आप गुजरे? Today many of us we lose our faith so fast. आज हम में से कई अपने विश्वास को बहुत जल्दी खो लेते हैं. Immediately plan B. और तुरंत ही हम सोच रहे हैं कि चलो दूसरी ये प्लान क्या है? See this verse 25. और 25वें वचन को देखेंगे. Then she came. और फिर वो आई. Worshipped him. और उसकी आराधना की. और कहा, Lord help me. प्रभु मेरी सहायता कर. At the end of the day. और दिन के अंत में. She came and fell at his feet. और उसके पैरों पर गिरकर. And Jesus said, I think this is not for people like you dogs. He said like. अब फिर यीशु से कहता है, तुम्हारे जैसे कुत्तों के लिए नहीं है. How difficult it is. ये कितना मुश्किल काम था. Let me tell you one thing. Jesus did not do it out of. He did it correctly only. और यीशु यहाँ कोई दुष्ट विचारों से ये काम नहीं किया. ये सही काम वो कर रहा था. And she, you know what she said. और आप जानते हो कि उसने क्या, उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया? Yes, Lord. What you say is right. और उसने कहा, ये सत्य है प्रभु. But even the little dogs eat the crumbs which fall down from their master's table. पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनसे, उनके स्वामियों के मेज से गिरता है. See, I tell you one thing. It is not just faith. ये केवल विश्वास नहीं है. It's humility. ये नम्रता भी है. Many times, you know, we are not able to take the faith forward. Because we are not humble. और कई बार ऐसे होता है कि हम उस विश्वास को आगे नहीं ले जा पाते क्योंकि हम नम्र नहीं हैं. Because we have pride. क्योंकि बहुत घमंड हम में है. We get hurt. हमें चोट लग जाता है. Hurt people cannot have faith. और जो लोग चोट खाते रहते हैं उनमें कोई विश्वास नहीं हो सकता. Hurt people cannot have faith. और जो लोग चोट खाते हैं उनमें विश्वास नहीं हो पाता. They can have belief. वो मान्यता रख सकते But they can't have faith. लेकिन वो विश्वास नहीं रख सकते. Today many many believers are actually hurt people. आज कई सारे विश्वासी ऐसे हैं जो चोट खाए हुए लोग हैं. But what is the use of getting hurt about these things? लेकिन इन बातों में चोट खाने का क्या उपयोग आपको होगा? I'll tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ. Vision which is in front of you. जो दर्शन आपके सामने है. Which is bigger than you. वो आपसे भी बढ़कर है. Let me repeat. फिर से मैं दोहराऊंगा. The place where you are going to go. जिस स्थान पर आप जाने वाले हो. Which is it is bigger than you. वो आपसे भी बढ़कर है. So to go there. तो उधर जाने के लिए. You need to lose you. आपको अपने आप को खोना होगा. You need to lose your ego. आपको अपना ईगो खोना होगा. You should lose your identity sometimes. आपका पहचान कहीं पे आपको खोना पड़ेगा. You should lose Anything which hinders to go there. और कोई भी वस्तु जो आपको उस स्थान में पहुंचने से रुका देता है उसे खोना होगा. Yes. हाँ. Please understand these things. इन बातों को समझो. Many times you may have to overlook many things. कई बार कई बातों को आपको नजरअंदाज करना होगा. Yes. So she said, Master, the crumbs my children can eat. और वो कहते हैं कि स्वामी वो जो मेज से गिरे हुए चूरचार है उसे ही हम खा लेंगे. Then Jesus answered and said to her. फिर यीशु ने उसे उत्तर दिया. Now see this statement. अब इस वचन को देखें. हे स्त्री, great is your faith. तेरा विश्वास बड़ा है. Great is your faith. तेरा विश्वास बड़ा है. Great is your faith. तेरा विश्वास बड़ा है. Let it be as you desire. जैसे तू चाहती है वैसा ही हो. What a thing now. कैसी बदभुत बात है. Desire is here. और उसके इच्छा यहाँ पर है. There are only few places where the word desire is there. और बहुत कम स्थानों पे बाइबल में लिखा है कि तेरी इच्छा. Many times you know we desire many things it may not be right. हम कई सारी बातों को चाहते हैं वो सारी बातें संभव हो ये नहीं है. This lady had a desire. God said it is according to your desire. लेकिन इस स्त्री में एक चाहत थी और परमेश्वर उसे कहते हैं जैसे तू चाहती है वैसा ही हो. Now how many of you are having desires? और अब आप में से कितने लोगों के जीवन में कोई ना कोई चाहत है? Come on. हाँ, कितने लोगों के जीवन में चाहत है? Some people are showing like this. कुछ लोग दोनों ही हाथ दिखा रहे हैं. Lot of desires. बहुत सारी इच्छाएं हैं. Very good, nothing wrong. बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है.
लेकिन आपका विश्वास कहां पर है? आपका विश्वास दिखाओ. Then I will tell you whether the desire will be fulfilled or not. और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चाहत आपकी है, इच्छा है, ये पूरा होगा या नहीं. खाली डिजायर, केवल चाहत ही है. But where is the faith? लेकिन इसके साथ विश्वास कहां पर है? Yeah. My friends, you need faith. दोस्तों, आपको विश्वास की जरूरत है. Now how faith comes? अब विश्वास कैसे आता है? Faith comes by? विश्वास. हाँ? Faith comes by? विश्वास. Hearing. डरने से. Hearing news channels. कोई खबरों को सुनने से आता है? Faith comes by reading newspaper. कोई अखबारों को पढ़ने से विश्वास आएगा? हाँ. बाजू वाला का सुनने में से faith आएगा क्या? Faith कैसा आएगा? संडे सुबह आएगा. मेरा फेथ संडे सुबह आता है. मेरा विश्वास रविवार सुबह आता है. Because I listen to a teaching. क्योंकि मैं उस बातों को जो सिखाते हैं पासबान हमें सिखाते हैं, उन बातों को सुनता हूं. Please understand. I feel one month before I felt. एक महीने पहले मुझे ये लगा. We need to learn about faith. हमें विश्वास के बारे में सीखना है. I prayed about it for many weeks. Then I started a series on. कई सप्ताह के लिए मैंने इसके बारे में प्रार्थना किया और फिर इस सीरीज को हमने शुरुआत की है. Now next series I am going to talk about something which I am praying about it. और अगले जो सीरीज है वो हम किसी और विषय के बारे में सीखने वाले, उसके बारे में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. So it is very important. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. The word of God. ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने. Tell your neighbor you should never miss the hearing of the word of God. अपने पड़ोसी से कहो जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा हो उसे कभी मत खोना. Because when you miss it, you miss faith. क्योंकि अगर उससे आप खो देते हो तो आप विश्वास को ही खो देते हो. When you miss faith, you miss everything. जब आप विश्वास को खो देते हो तो हर वस्तु को अपने जीवन से तुम खो लेते हो. Yes, because God has given us this ability to hear and increase our faith. क्योंकि परमेश्वर ने यह क्षमता हमें दिया है ताकि हम सुने और विश्वास में बढ़े. It is God's method of increasing your faith. ये परमेश्वर का method है जिससे कि हम अपने विश्वास से बढ़ सकते हैं. So when you obey the principle, तो जब आप इस सिद्धांत को मानते हो, it will work for you. तो ये आपके लिए कार्य करेगा. It will work for you. ये आपके लिए कार्य करेगा. Yes. My faith is increasing. मेरा विश्वास बढ़ रहा है. Now I will make all the impossibilities into possible. अब सारे असंभव बातों को मैं अपने जीवन में संभव बनाने वाला हूँ. Faith, yes, impossibilities should not live in my life. असंभव बातें मेरे जीवन में जीवित नहीं रहेगा. Whatever I do, जो कुछ मैं करूं, I will do the will of God. वो मैं परमेश्वर की इच्छा ही करूंगा. If the will of God is for impossible things, I will do that impossible. अगर परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में असंभव बातें करनी है तो मैं वो असंभव बातों को करूंगा. I will be a woman of great faith. और मैं ऐसी एक स्त्री बनूंगी जो बड़ा विश्वास रखेगी. I will be a man of great faith. मैं ऐसा एक आदमी बनूंगा जो बड़ा विश्वास रखेगा. Tell your neighbor, I will be a man of faith. I will be a woman of faith. अपने पड़ोसी से कहें मैं एक पुरुष या एक स्त्री बनूंगा विश्वास का. I can do all things through Christ. मैं हर एक बात को संभव बना सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा. All things through Christ who strengthens. मैं मसीह यीशु के द्वारा हर एक बात को संभव बना सकता हूं अपने जीवन. Bible doesn't say you can do few things here and there. Bible ये नहीं कहता कि तुम थोड़ी बातें इधर उधर कर लोगे. That means Bible is not saying we are the master of the universe. No, all things pertaining to my life I can do. और ऐसे नहीं कह रहा कि हम सारे भूमंडल के कोई प्रभु है, लेकिन बाइबल ये कह रहा है कि जो भी बातें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है उनको तुम संभव कर पाओगे. I can do all things. मैं सारी बातों को संभव बना सकता हूं. You can do all things. अपने पड़ोसी से कहो तुम सारी बातों को संभव बना सकते हो. तुम सारी चीजों को कर सकते हो. थ्रू क्राइस्ट, मसीह यीशु के द्वारा, नॉट थ्रू आवर इंटेलिजेंस, अपने स्वयं के बुद्धि के द्वारा नहीं. आई कैन डू ऑल थिंग्स. फिलिपियंस 4:13. फिलिपियों की पत्री 4:13. See what the Bible says. बाइबल क्या कहता है देखिए. I can do all things. मैं सारे काम कर सकता हूं. See, I can do all things through Christ who strengthens me. जो मसीह मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. He strengthens you. जो मुझे सामर्थ्य देता है. He strengthens you. वो मुझे सामर्थ्य देता है. Why? If you are not. See, strengthening is to make a weak man strong man. और ये सामर्थ्य देना इसका अर्थ है कि जो कमजोर व्यक्ति है उसको अधिक सामर्थ्य देना. Strengthens you. वो आपको सामर्थ्य देता है. How many of you are feeling weak in your life? कितने लोग अपने जीवन में आप कमजोर महसूस कर रहे हो? Many times when problem comes, we feel, oh, you are big. मैं क्या करूं? और कई बार जब परेशानी आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं. मैं कैसा जाऊं, कैसा करूं?
How can I solve it? और कैसे मैं इसको सुलझाऊंगा? See, God want to strengthen you. परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहता है. He will strengthen you. वो आपको सामर्थ्य देगा. He wants you to be strong. वो चाहता है कि आप बलवंत हो. See, I'll tell you one thing. एक बात आपसे कहूंगा. The world is some. The world has a style. ये दुनिया की एक रीति है. If you become weak, ना? अगर आप कमजोर हो जाते हो, they will retire you. वो आपको यहां से रिटायर कर देंगे. You see people who are 50 plus years old. जो 50 साल के ऊपर है, उन लोगों को देखिए. Their hair also becomes little white. और उनके बाल भी थोड़े सफेद होने लगते हैं. And they walk also like this. और थोड़ा टेढ़ा चलने लगते हैं. So your office will say, अभी रिटायर होके घर जाओ. हाँ, वो दफ्तर में कहते हैं कि तुम अब घर जा सकते हो. घर जाओ. World will retire weak people. ये दुनिया कमजोर लोगों को वो रिटायर कर देती है. हाँ. But God strengthens weak people. लेकिन परमेश्वर आपको बलवंत करता है. Tell your neighbor, God strengthens a weak man. अपने पड़ोसी को देखकर कहो, परमेश्वर कमजोर व्यक्ति को और बल देता है. Weak men are here. क्या कोई कमजोर आदमी यहाँ पर है? हाँ. Or only Superman are sitting here. क्या कोई कमजोर यहां पर है? केवल सुपरमैन यहां पर बैठे हैं. God will strengthen you. परमेश्वर तुम्हें बलवंत करेगा. Tell your neighbor, God will strengthen. अपने पड़ोसी से कहो कि परमेश्वर तुम्हें बल देगा. Why God wants to strengthen? क्यों परमेश्वर तुम्हें बल देना चाहता है? To show your muscles. ताकि आप अपने मसल दिखाएं. God is not strengthening your muscle. परमेश्वर आपके मांसपेशियों को वो बलवंत नहीं कर रहा. He is strengthening your inner man. वो आपके अंदर बलवंत कर रहा. Your inner man. आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को बल दे रहा है. You are more powerful than your enemies. ताकि आप अपने दुश्मनों से बढ़कर सामर्थ्य पाओ. You are more powerful than the challenges which comes to you. और ताकि आप अपने जीवन में जो आपके विरुद्ध जो चुनौतियां आ रही हैं उससे अधिक बल रखे. Yes. हाँ. You need to have more power than your opponents. आपके विरोधी जो है उससे भी बढ़कर सामर्थ्य आपको रखना है. That comes out of faith. और ये विश्वास के द्वारा ही आता है. That's why it says, hey, come on. और इसलिए वो कह रहा है, फिलिप्पियों की पत्री चौथा अध्याय 13 वचन, इसे निशान बना कर रखे. आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु मेक्स मी स्ट्रॉन्ग. जो मसीह मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. और कैसे वो आपको बलवंत करता है? कैसे आपको वो बल देता है? He gives you his word. वो आपको अपना वचन देता है. He gives you his word. वो आपको अपना वचन देता Today है. You all feel strong. आज आप सब बलवंत महसूस कर रहे हो. You feel like Superman. आपको लगता है कि आप सुपरमैन हो. I can do all things. मैं सारी बात कर सकता हूँ जो मसीह मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा. How I made you strong. और कैसे आपने बल को पाया है? I have preached to you the word of God. मैंने परमेश्वर के वचन से आपको प्रचार किया है. I have given you the word. आपको वचन दिया है. That word has produced faith. और ये परमेश्वर के वचन ने विश्वास को उत्पन्न दिया है. Faith will change the life. और ये विश्वास आपके जीवन को बदल देगा. That so this lady was persistent. और ये जो स्त्री थी वो निरंतर पीछे हो चली थी. Because she was persistent, she overcame. और क्योंकि वो निरंतर पीछे हो चली थी उसने विजयी हुई. She went home, getting the results. और जब वो उस दिन घर लौटी तो उसने अपने रिजल्ट्स को पा लिया था. What a truth it is. ये कितनी बड़ी सच्चाई है. The word of God. आज परमेश्वर का वचन. Give us faith. वो हमें विश्वास देगा. Hallelujah. Hallelujah. Today God will bless you. आज परमेश्वर आपको आशीष देगा. As we dwell in upon these words, the whole of today, whole of this week, God will bless you. आज जैसे हम इस वचन पर हम वास करेंगे, सारा सप्ताह हम इस वचन पर ठहरे हुए रहेंगे, तो ये परमेश्वर अपना write down the impossible situations. और ये जो असंभव बातें हैं उसे आप लिख कर रखे. Put it on the ground. उसे इस साथ जमीन पर रखे और उस पर अपना पैर रख दीजिए. And say, I can do all things. और कहे, मैं मसीह के सामर्थ के द्वारा सब चीजों को संभव बना सकता हूँ. Only thing, don't write anybody's name. आप किसी का नाम लिखकर मत रखना. Please, don't have enemies. कोई दुश्मन अपने जीवन में नहीं रखना. Because our enemies are not human beings. क्योंकि हमारे दुश्मन इंसान नहीं है. Our enemies are not human beings. हमारे दुश्मन कोई इंसान नहीं है. Our enemies are the challenges. और हमारे दुश्मन वो चुनौतियां हैं. Our enemies are our limits which we are having. हमारे जीवन में जो सीमाएं हैं वो हमारे दुश्मन हैं. Yes, our enemies are the
wrong things we do, the sinful things we do, they are our enemies. जो पाप से भरे काम हम करते हैं वो हमारे दुश्मन है. Yes. So never ever fight with anybody. तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना. Be friends with all people. सभी से मित्रता बनाए रखना. Okay. Yes, but you have enemies. Hallelujah. लेकिन आपके दुश्मन भी हैं. This week you have to make many decisions in your life. यह सप्ताह आपको कई सारे निर्णय लेने हैं. Unless you know who is against you, how can you fight that guy? जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपके विरुद्ध कौन है, तो आप उससे कैसे लड़ पाओगे? Unless you know what is your limits, how can you defeat your limits? जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपकी सीमाएं कहाँ पर है, तो आप कहाँ कैसे अपने दुश्मनों को हरा सकोगे? So first make a list of everything which is controlling you. पहले एक लिस्ट बनाए जो सारी बातें आप को नियंत्रित करती है. Everything. It can be a human also. Sometimes there is a spirit behind a human being. कई बार कुछ इंसान भी हमें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं. उनके पीछे जो दुष्ट आत्मा है वो नियंत्रित करते हैं. They are your enemies. वो आपके दुश्मन है.